हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जिस प्लांट्स के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ, देखिए ये रबड़ प्लांट्स है। तो विंटर के सीजन में रबड़ प्लांट्स के पौधे को कैसे देखभाल करना है, इसकी पत्ती का रंग फीका ना हो, पत्ती गिरे नहीं और पत्ती मुड़े नहीं, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा वीडियो में। और इस प्लांट्स को कैसे देखभाल करना है कि मेरा छोटा सा पौधा 6 महीने में हरा भरा और बड़ा जल्दी हो। इसे फिकस इलास्टिक या रबड़ प्लांट्स के नाम से जाना जाता है और यह एक इंडोर खूबसूरत प्लांट्स होता है और इसकी पत्ती हरी चमकदार होती है और हमारे घर के हवा को शुद्ध करता है। यह पौधा या एयर प्यूरिफाई प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है और ऐसी मानता है कि यह पौधा जिस घर में रहता है वहाँ सुख शांति स्मृति बनी रहती है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। और इसके जो रस है उसके रस से यानी दूध से आप रबड़ बनता है एवं इसकी जो जड़ होती है वो पुल पुलिया जो बनती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, यह बहुत ही शुभ पौधा होता है। इस पौधे को अभी इस समय लगाने का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। तो इस पौधे को आपको विंटर के सीजन में कैसे देखभाल करना है कि मेरे प्लांट्स की जो पत्ती है वो मुड़े नहीं, पत्ती पीली नहीं हो और प्लांट्स आपका हरा भरा रहे। ऐसा पौधा है कि ना तेज गर्मी बर्दाश्त करता है ना ज़्यादा ठंड। तो आपको ठंड के मौसम में इसे पाला मारने की समस्या उत्पन्न होती है, तो उससे भी सेव करने के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर इसे आप आउटडोर में भी रखते हैं तो विंटर के सीजन में प्लांट्स अच्छी तरह से चलता है, तो इसके लिए आपको कम रोशनी यानी सुबह वाली 1 से 1.5 घंटे की धूप इस पौधे को दीजिए और खासकर इस पौधे में पानी की मात्रा को आपको समझना होगा, तभी आपका प्लांट्स सर्वाइव करेगा और प्लांट्स की पत्ती हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों, जब इसकी मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना है, क्योंकि इसके जो डंठी होती है उसमें पूरा पानी भरा रहता है। अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग करते हैं तो आपकी पत्ती पीली होने लगती है और गिरने लगती है, इसके जो रूट है वह सड़ने लगता है। तो आप इन 3 से 4 बातों का अपने प्लांट्स में ध्यान दीजिए, आपके प्लांट्स हरे भरे रहेंगे कोई भी सीजन में। दोस्तों, रबड़ प्लांट्स का पौधा बहुत धीमी गति से बढ़ने वाला पौधा है, तो हमने इसे 6 महीने पहले लगाया था छोटे से पोट्स में। आप जब भी इस पौधे को लगाएं तो छोटे से पोट्स में लगाएं, क्योंकि यह रूट बहुत जल्दी जनरेट करता है। उसके बाद आप इसे बड़े गमले में शिफ्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, जब आप पौधे को लगाते हैं तब आपको रिवर सेंट, गार्डन सॉइल, बर्मी कंपोस्ट, गैस बना गोबर खाल, नीम खल्ली, इन सभी को मिक्स करके पौधे को लगाइए, पौधे अच्छे से लगेंगे। सर, लोग गलती यही करते हैं कि इस पौधे को तो लगाते हैं लेकिन इसे प्रॉपर सनलाइट्स में रख देते हैं। तो दोस्तों, भूल कर भी इसे प्रॉपर सनलाइट्स में नहीं रखना है, क्योंकि यह इंडोर प्लांट्स है, आउटडोर प्लांट्स नहीं है। अगर आप आउटडोर में भी रखते हैं तो ऐसे जगह पर रखिए जहाँ ब्राइट लाइट आती हो। और दूसरा काम आपको करना है कि इसकी मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है, तब आपके प्लांट सालों साल चलेंगे और हरा भरा रहेंगे। दोस्तों, गमले की मिट्टी की कोड़ाई आपको हर एक 15 से 20 दिन के अंतराल में करते रहिए, जिससे गमले की मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी और ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा और जो भी फर्टिलाइजर आप यूज करिएगा प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो गमले की मिट्टी की कोड़ाई आपको 15 से 20 दिन में हर एक प्लांट्स की कोड़ाई करते रहना है, क्योंकि रबड़ प्लांट्स बहुत ही अच्छा प्लांट्स होता है और ऐसे हेवी प्लांट्स के रूप में देखा जाता है, हेवी फिटर के। तो इसका उपयोग आप ये देना, देखिए दोस्तों, यह पोटास है, इसमें प्रचुर मात्रा में पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है। तो आपको रबड़ प्लांट्स के पौधे के लिए पोटासियम युक्त फर्टिलाइजर देना बेहद ही ज़रूरत है। तो आपका इसका आधा चम्मच ले लेना है और गमले में मिट्टी में आप किनारे किनारे इसी तरह से आपको डाल देना है जितने भी पौधे हैं। फर्टिलाइजर के रूप में आपको नीम खली लेना है, इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम पाया जाता है और एनपीके का काम करता है और मिट्टी में जो लगने वाले फंगस है उसको जड़ से ख़त्म करता है और पौधे को ग्रोथ अच्छी तरह से करता है। तो आपको एक चम्मच ले लेना है और गमले की मिट्टी में आपको किनारे भाग में डाल देना है जितने भी प्लांट्स हैं। उसके बाद पौधे में आपका ग्रोथ अच्छी तरह से होगा
उसके बाद तीसरे फर्टिलाइजर के रूप में आपको देखिए दोस्तों यह बर्मी कंपोस्ट खाद है। ये केचुए के खाद से बनता है, इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाते हैं और रूट डेवलप करने में मदद करते हैं। तो आपका इसको 100 ग्राम ले लेना है और गमले की मिट्टी में आपको किनारे किनारे डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके आप ऐसे जगह पर रखिएगा जहाँ 1 से 1.5 घंटे की धूप आती है, क्योंकि मेरा प्लांट्स बहुत छोटा है और यह प्लांट्स बहुत कम रोशनी में भी सोप अच्छी तरह से चलता है। तो इस प्लांट्स को नाम मात्र का लाइट की भी जरूरत पड़ती है। दोस्तों इस पौधे में आपको 2 महीने के अंतराल में गाय से बना गोबर का खाद, बर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर देना है, क्योंकि यह पौधा बहुत लो मेंटेनेंस में चलने वाला प्लांट्स है। दोस्तों इसकी जो पत्ती है उसको आपको रेगुलर बेसिस पर आपको सफाई करते रहना होगा पानी से। तो आप महीने में एक बार इस प्लांट्स को जरूर पानी भिंगा कर कपड़े से इसके जो पूरे पत्ती है सबको अच्छी तरह से धो दे। धोने से ये फायदा होगा कि दोस्तों इसमें जो धूल कण जमे रहते हैं सब निकल जाएंगे और इसके पत्ती में छोटे छोटे छिद्र रहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिससे यह हमारे घर के हवा को शुद्ध करता है, एयर प्यूरिफाई का काम करता है। दोस्तों इसकी पत्ती को आप महीने में एक बार जरूर साफ पानी से कपड़ा भिंगा कर वॉश कर दे, जिससे यह प्लांट्स देखने में जितना खूबसूरत लगेगा या एयर प्यूरिफाई का काम भी अच्छी तरह से करेगा। इसलिए इसकी पत्ती को आप महीने में एक बार जरूर वॉश करें। दोस्तों देखिए 6 महीने के बाद मेरा प्लांट्स कितना हेल्दी भरा और बड़ा हो गया है। तो हमने इसे 3 से 4 महीने का जब प्लांट्स था तो हमने इसे बड़े से गमले में शिफ्ट कर दिया है। दोस्तों इस पौधे को आप जब भी लगाएं तो 10 से 15 इंची का पोट में लगाएं, क्योंकि यह प्लांट्स की जो रूट है बहुत जल्दी डेवलप करता है और इस पौधे में कीट पतंगे बहुत ही नाम मात्र के लगते हैं। इसमें वाइट रंग के मकड़ी लगते हैं, जिसको हटाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, जिससे आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए तरीके से आप अपने रबड़ प्लांट्स का पौधे का देखभाल करिए। विंटर के सीजन में अच्छी तरह से या प्लांट्स ग्रो करें। रबड़ प्लांट्स की पत्ती का रंग फीका पड़ने लगे तो आप समझ जाइए कि इस पौधे को आप सनलाइट्स की ज़रूरत है। तो 1 से 1.5 घंटे की आप ब्राइट लाइट दीजिए। अगर इसके पत्ती मुड़ रही है तो आपको गमले में पानी की कमी के कारण इसकी पत्ती मुड़ने लगती है, तो आप इस पौधे को उस समय खूब ज़्यादा संख्या में पानी पिलाएं, जिससे इसके जड़ है वह हाइड्रेट हो जाए और उसके बाद जब मिट्टी पूरी तरह ड्राई हो तब आपको पानी देने की ज़रूरत है। दोस्तों जब इस प्लांट्स की पत्तियां गिरने लगे तब समझ जाइए कि इस प्लांट्स को आपको खाद देने की ज़रूरत है। तो उस समय आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटासियम प्रयुक्त मात्रा में खाद दीजिए। आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ सालों साल चलेंगे और हरे भरे रहेंगे। तो दोस्तों आप इसे हर बदलते मौसम में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन प्रयुक्त खाद दीजिए और पानी जब मिट्टी सूख जाए तब आपको देना है। पौधे अच्छे से सर्वाइव करेंगे और हरा भरा रहेंगे। तो दोस्तों मेरे बताए हुए तरीके से आप पौधे को ध्यान रखिए और विंटर के सीजन में अपने प्लांट्स को हरा भरा रखिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।